भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही तीन तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो तीन तलाक कानून खत्म किया है इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और तीन तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए तीन तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है, उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। भाजपा देश के हर नागरिक की परेशानी कम कर रही है, हर किसी के लिए नए अवसर बना रही है। भाइयों और बहनों, सहारनपुर की यहां की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहां के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। मोदी और योगी आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है, और इसलिए हमने एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आया है। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं से ये बातें आपने कभी सुनी है? इतना ही नहीं, हमने तो अब हर राज्य में एकता मॉल बनाने की योजना बना दी है, और हर राज्य में जो एकता मॉल बनेगा उसमें हिंदुस्तान के हर जिले की चीजें बिकेगी। आप केरल जाओगे तो वहां के एकता मॉल में सहारनपुर की चीजें बिकती मिलेगी, आप बंगाल जाओगे तो वहां एकता मॉल में सहारनपुर जिले की चीजें मिलती रहेगी। मतलब हम देश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर जिले में और दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहते हैं। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। यहां इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। साथियों, ये क्षेत्र
अपने कृषि उत्पादकों के लिए भी जाना जाता है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार लगातार अपने किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। किसान की छोटी छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है। आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिए मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। इसका बड़ा फायदा यहां के गन्ना किसानों को भी हुआ है। हमारे किसानों को यूरिया की खाद की कमी ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। आप जानकर के हैरान हो जाओगे भैया, एक आंकड़ा मैं कहता हूं, याद रखोगे आप लोग? मैं एक आंकड़ा बोलता हूं, आप याद रखोगे? सभी किसानों को बताओगे? घर घर जाके बताओगे? तो आंकड़ा बताऊं? देखिए, दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक थैला 3000 रुपये में, यूरिया का बोरा 3000 रुपये में मिलता है। कितने में? याद रखिए, किसानों को बताइए कितने में मिलता है दुनिया में यूरिया का बोरा, कितने में मिलता है? हमारे यहां किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपये से भी कम में मिलता है दोस्तों। अब मुझे बताइए, ये बात किसानों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? घर घर जाके बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? साथियों, अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं।